हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शूट माय स्टाइल पे। और मैं शैलेंद्र आज फिर आपके सामने एक नया स्टोरी लेकर आया हूँ, सो दैट कि आप फ्रॉड से बच सकें। ये है क्या बेसिकली मैटर जो आज का है? ये मैटर है कि आजकल बहुत सारे केसेस ऐसे चल रहे हैं कि लोन लेने के लिए आपको बहुत इजी मेथड आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। आप प्ले स्टोर पर जाएंगे, आप एप्लीकेशंस को सर्च करेंगे, लोन एप्लीकेशन धड़ल्ले से आपके पास लोन की बहुत सारी एप्लीकेशंस आ जाएंगी और आप को इंस्टॉल करने में 2 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड का वर्क लगेगा और वो लोन की एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी। और वहाँ पे आपको अपने केवल आधार कार्ड देना है, अपलोड करना है, कुछ अपनी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी देनी है और आपका लोन अप्रूव्ड। जी हाँ, वो लोन अप्रूव्ड होने में हार्डली केवल 2 से 5 मिनट का वक्त लगता है उन एप्लीकेशन पर। और लोन अप्रूव होते ही आप खुश हो जाते हैं कि आपका लोन अप्रूव हो गया, अब आपको 6,500 रुपये मिल जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर जो ये केस जो है वो ऑपरेट कैसा होता है। लोन लेने के लिए आपने इंटरनेट पर एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करी, उस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते ही आपके पास तुरंत से ऑपरेशन स्टार्ट हो जाता है क्योंकि आप लोन की एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं। फिर उसके अंदर लोन लेने के लिए आपको जो डिटेल्स भरनी पड़ती है, अपना नाम, ईमेल आईडी, सब कुछ आपने भर दिया, भरते ही आपके ईमेल आईडी पर एक कन्फर्मेशन आ जाता है कि आपके अकाउंट में इतना पैसा डाल दिया गया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपके पास मेल भी आएगा, मैसेज भी आएगा और आपके अकाउंट में पैसा भी आएगा। जी हाँ, अगर सपोज़ कीजिए आपने 6,500 या 7,000 रुपये का लोन लिया है या 10,000 का लोन लिया है, वो आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट भी करेगा। अब आप अपने अकाउंट पर चेक करेंगे तो वो लोन आपके अकाउंट में 10,000 रुपये का आ गया, अगर आपने 10,000 रुपये की रिक्वायरमेंट को रखा है तो। अब वो 10,000 जब आपके अकाउंट में आ गया तो आप खुश हो गए, लेकिन अगर आप 1 घंटे बाद तब दोबारा से चेक करेंगे तो वही अमाउंट जो 10,000 रुपये का अमाउंट आपके अकाउंट में आ चुका था वो दोबारा से डेबिट भी हो चुका होगा। डेबिट इन द सेंस कि जब आपके अकाउंट में वो प्रोसेस हुआ, आपके अकाउंट में जब आ गया तो वो क्रेडिट हुआ और जब आपके अमाउंट से वापस चला गया तो वो डेबिट हो गया। मतलब आया और आने के 1 घंटे बाद चला गया। आने का प्रोसेस तो आपने किया था क्योंकि आपको लोन की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन जाने का प्रोसेस वो ऑटोमेटिक चला हो गया। तो जो पैसा आपने लिया था वो जिनसे आपने लिया था उनको 10,000 रुपये वापस चला गया क्योंकि उनकी एप्लीकेशंस में इस तरीके की टर्म्स कंडीशन होती है कि ये जो लोन आपने लिया है ये वापस हम कभी भी ले सकते हैं। वो टर्म्स कंडीशन हम कभी कोई पढ़ते नहीं है, कुछ एप्लीकेशंस में होती है, कुछ एप्लीकेशंस में नहीं होती है। अब होता क्या है कि ये जो लोन एप्लीकेशंस होती हैं ये पूरी तरीके से फ्रॉड होती हैं। इनका कोई माई बाप नहीं होता है, कोई इनके लीगल टर्म्स नहीं होते हैं, भारत सरकार ने इन एप्लीकेशंस के लिए कोई लीगल प्लेटफॉर्म नहीं बनाया हुआ होता है। ये जो एप्लीकेशंस होती हैं ये मोस्ट ऑफ द केसेस चाइना से ऑपरेट होती हैं। जी हाँ, अभी हाल फिलहाल 1 साल पहले अगर मैं 2021 की बात करूँ तो भारत सरकार ने बहुत सारी चाइनीज एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल करवाया था प्ले स्टोर से, सो दैट कि हिंदुस्तान में लोग इस तरह से ना फंसे क्योंकि बहुत ज़्यादा तादाद में लोग फंस रहे थे। लेकिन अभी भी कुछ एप्लीकेशन इस तरह की हैं मार्केट के अंदर जहाँ पे इस तरीके का केस ऑपरेट हो रहा है। अब इस सब कुछ होने के बाद आपके सामने प्रॉब्लम क्या आती है? पैसा आया चला गया कोई बात नहीं, लेकिन अब आपको एक बंदा आपको फ़ोन करेगा और वो आपको बोलेगा कि ये जो आपने पैसा लिया था वो पैसा आपको वापस करना है। अब आप बोलोगे मेरे पास तो पैसा आया था बट आने के बाद चला गया तो मैं क्या करूँ? तो वो आपको बोलेगा कि जो पैसा आपको दिया गया था उसका फर्स्ट डे से ही जो ब्याज था वो 6,500 रुपये का था। मतलब वॉट एवर कोई भी अमाउंट बता सकता है कि 2,000 रुपये का अमाउंट था, 6,500 रुपये का अमाउंट। वो आपको बोलेगा मुझे नहीं पता वो पैसा कहाँ चला गया, किसने ले लिया, क्यों ले लिया, मुझे नहीं पता। मुझे इतना पता है आप 2,000 रुपये दीजिए, अदरवाइज आप पर लीगल एक्शन होगा, पुलिस आपके घर आएगी और हमारी टीम आपके घर आएगी और आपको उठा के ले जाएगी, आपको जेल कर देगी, ये कर देगी और आप बदनाम कर दिए जाओगे, ये सब चीज़ फलाना ढिमाका दुनियादारी सब कुछ बोल देगा वो। अब इतनी सारी चीज़ें आपको बोलने के बाद ऑब्वियसली आप डर जाओगे, अब आपको लगेगा कि आप फंस चुके हो। तो अब आपसे वो डिमांड करेंगे कि ठीक है व्हाटएवर आपने पैसा लिया और पैसा चला गया, हमें नहीं पता क्या था कैसे था, बट अगर आप इस क्लोज केस को क्लोज कराना चाहते हो तो आपको 2,000 रुपये देने पड़ेंगे, ये केस क्लोज हो जाएगा। अब यहाँ पर उनकी गुंडागर्दी शुरू हो जाएगी। अब आप डर गए तो हो सकता है कि आप 2,000 रुपये उनको दे दोगे। अब आपने अगर ये सोच के 2,000 रुपये उनको दे दिए कि 2,000 रुपये देने के बाद ये केस क्लोज हो जाएगा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। 2,000 रुपये जैसे ही आप दोगे केवल 24 घंटे का ही हार्डली आपका फोन नहीं आएगा, अगले फिर 24 घंटे का आपका फोन आ जाएगा कि जो 2,000 रुपये आपने दिए थे वो इस चीज़ के थे, अब आपको 3,000 रुपये और देने हैं, तब जाके ये लोन का जो पूरा केस है वो क्लोज हो पाएगा। अब आप फिर दोबारा फंस जाओगे, आप सोचोगे कि इस तरीके से तो मैं 2,000 रुपये दे चुका हूँ, 2,500 रुपये चलो और भी दे देता हूँ,
तो चलो बट झंझट हटेगी। अब देखो आपको पैसे की थी रिक्वायरमेंट, आपको पैसे चाहिए थे, अब आप यहाँ पर उल्टा क्या हो गया, इस केस में फंस गए। अब आप पैसे देना चालू कर रहे हो, अब आप उधार लेके देना चालू कर रहे हो, क्योंकि आप केस में फंस गए। आपको डर है कि पुलिस घर के अंदर आएगी, ये होगा वो होगा, दुनियादारी सब कुछ होगा। अब जो लोग समझदार हैं वो तो निकल लेते हैं, जो लोग सीधे साधे भोले वाले हैं वो सोचते हैं अरे यार क्या पुलिस आएगी, आएगी देखे खत्म करो। तो अब बहुत से लोग क्या करते हैं कि उस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर देते हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं ये होना शुरू हो जाती हैं। अब डरना शुरू होता है, रात को नींद नहीं आ रही है, प्रेशर है दिमाग के अंदर। अब वो क्या करेंगे, वो उस वक्त जब आपका व्हाट्सअप नंबर ले लेते हैं, आपका व्हाट्सअप सब कुछ ले लेते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके व्हाट्सअप नंबर के थ्रू, आपके ईमेल आईडी के थ्रू आपके फेसबुक पेज पे निकल जाते हैं। अब आपको फेसबुक पेज पे जाके आपका फोटो उठाएंगे, उसको न्यूड करके आपको भेज देंगे। अब देखिए सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ, लोन से शुरू हुआ था और अब ये सिलसिला चालू हो गया है आपके न्यूड फोटो से। अब आपको वो न्यूड फोटो भेजेंगे आपके व्हाट्सएप नंबर पे और आपको बोलेंगे कि हम आपका ये फोटो जो है वो वायरल कर देंगे, आप इतना इतना पैसा दो वरना हम आपको पूरी तरीके से बदनाम कर देंगे। तो इस तरीके से जो पूरा सिलसिला है ये ऑपरेट होना चालू हो जाएगा और ये लोन से डाइवर्ट होकर न्यूड कॉल के स्कैम पे चला जाएगा, न्यूड फोटो के स्कैम में चला जाएगा, जहां से आप पर वो धमकी देके आपसे प्रेशर देके आपसे काम करवाना शुरू करेंगे। सोचिए कितनी गंदी तरीके से ये जो सिस्टम है ये ऑपरेट करते हैं लोग। और ये जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं ये चाइना से ही ऑपरेटेड होती हैं, ये अलग बात है। करने वाले फ्रॉडजी लोग जो हैं वो हमारे ही हिंदुस्तान में ही रहते हैं, यहीं पर ये केस ऑपरेट किए जाते हैं, एप्लीकेशन भले चाहे चाइना की हो। तो आपको इस तरीके के केस में अगर आप सपोज कि ये फंस गए हैं, फर्स्ट डे आपके पास लोन अमाउंट का मनी आपके अकाउंट में आ गया, फिर वो आपके अकाउंट से चला भी गया, आपके पास अगर किसी ने कॉल करके ये बोला कि आपका ऐसे ऐसे लोन पास हुआ था, अब आपको इतनी फीस देनी पड़ेगी, इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना था, इसका पहले ही दिन से शुरू हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, जिसमें आपको 2,000 रुपये देने हैं, 4,000, तो आपको डरना नहीं है। आपको फर्स्ट डे से ही उसको यही बोल के चलना है कि मेरे घर अगर पुलिस आएगी तो मेरे घर में पुलिस आने दो, तुम्हें तुम्हारी टीम अगर आ रही है बैंक की तो तुम्हारी टीम भी आने दो, जो कुछ होगा वो मेरे घर पर बैठ के होगा, पुलिस अगर आएगी तो पुलिस को आने दो। आपको डरना नहीं है, क्योंकि अगर आप डर गए तो वहीं से आपके साथ उल्टा सीधा होना चालू हो जाएगा। आप पैसा देना चालू करोगे, उधार लेना चालू करोगे, देना चालू करोगे, इस तरह के चक्कर में आप फंसना चालू हो जाओगे। तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, कोई आपको कितना भी कुछ भी बोल दे आपको डरना नहीं है। और आपको जब बहुत ज़्यादा डर लगने लगे तो मेरे पुराने किसी वीडियो में चले जाना, आपको वहाँ से मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा, मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना, और उसमें भी मैं आपको बोलूँगा व्हाट्सएप मैसेज मुझे तब करें जब आप सही में बहुत गंदी तरीके से फंस चुके हो, अदरवाइज़ आप मुझे मेरे YouTube चैनल पर ही कमेंट करें, क्योंकि YouTube चैनल के कमेंट्स को मैं सबसे पहले पढ़ता हूँ और सबसे पहले मैं उनको रिप्लाई करता हूँ। व्हाट्सएप हो सकता है मैं शाम को देखता हूँ तो शाम को मैं रिप्लाई करूँ, बट आपको मेरे YouTube चैनल पर अगर कमेंट करोगे वीडियो पर तो मैं आपको तुरंत से रिप्लाई कर दूँगा। तो आपको तुरंत से मुझसे संपर्क करना है, मैं आपको बताऊँगा कि फर्दर एक्शन क्या होना चाहिए और आपको क्या करना चाहिए। सो गाइज इस तरीके से फ्रॉड ऑपरेट होते हैं। तो आप कभी भी किसी भी तरीके की कोई लोन एप्लीकेशंस को जो अनजाने में आप कभी भी इंस्टॉल कर लेते हो नहीं करना चाहिए। आपको लोन लेना है आप बैंक जाइए, या फिर बैंक की ऑथराइज एप्लीकेशन है आप उसको इंस्टॉल करें, वहीं पर भी डॉक्यूमेंट आप अपने अपलोड करें या इन्फॉर्मेशन दें। ऐसे किसी भी अनस्पेसिफाइड एप्लीकेशन को इंस्टॉल आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। तो गाइज इस टोटल आज के इस वीडियो में आपको क्या नॉलेज मिली मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना, और अगर आपको ऐसा लगता है कि इन फ्यूचर इस तरीके की वीडियो आपको नॉलेज देते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो गाइस सावधान रहिए, सतर्क रहिए, मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही सिलसिले और सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्कार।